नगर के विकास भवन के गेट पर ताला लगाकर सभी ग्राम पंचायत अधिकारी व विकास भवन के अधिकारियों ने आज आजमगढ़ के एडीएम द्वारा वहीं के खंड विकास अधिकारी से अभद्र व्यवहार व उनको थप्पड़ मारने की वजह से सिद्धार्थ नगर के सभी अधिकारीगण एकजुट होकर उनके ऊपर कार्यवाही और उनको निलंबन करने के लिए विकास भवन गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है, जब तक आजमगढ़ के एडीएम पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम इस धरने पर डटे रहेंगे और हमारी मांगे न मांगी जाने पर हम अनिश्चितकालीन धरना कर सकते हैं। जनपद आजमगढ़ में 29 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान वहां के एडीएम साहब श्री लोको त्रिपाठी जी के द्वारा ये खंड विकास कार्य को गर्दन पकड़कर थप्पड़ से मारा गया और यह बहुत ही अपमानजनक रहा और सभी वहां पर अधिकारी उद्वेलित हैं और उसके एवज में सभी हमारे अधिकारीगण में आक्रोश है कि इस तरह की कार्रवाई जो है बहुत ही अशोभनीय है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक कृत्य है और उनके FIR दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ उनका निलंबन होना चाहिए। इसी के तहत हम लोग बहिष्कार किए हुए हैं। इसमें अभी हमारे प्रादेशिक संगठन के द्वारा और अनुसांगिक जो हमारे संगठन हैं उनके द्वारा शासन पर वार्ता होने जा रही है। उसके बाद जो भी वहां से निर्देश मिलेगा उसके आगे हम लोग वहां से निर्णय जो होगा उसको किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं, चल 4 और 5 को हम लोगों ने बहिष्कार किया है। अगर आगे नहीं होता तो अनिश्चितकालीन।